एक तो रेश थे, उनके है एक बंदा रिश की तंगी के लिए गया, पर मैं जब फजर के लिए निकला कर ख्याल किया कर, फजर गौर से समझिए कि यह बात, फजर बख्त बरकत का वक्त होता है, फजर बख्त और बरकत का वक्त होता है। उस वक्त उससे कोई तेरा बख्त और बरकत छीनेगा, हिफाजत किया कर, उसने कुछ कौन छीनेगा? उन्होंने कहा जिन्नाती शैतानी छीने तो उससे तेरा बख्त और बरकत छीनेंगी। तो कहा इसका हल, कहा घर से मस्जिद तक आयतल कुर्सी पढ़ता जाया कर, चार दफा आयतल कुर्सी पढ़ ले, और एक वाक्य है तादाद नहीं है, बस आयतल कुर्सी पढ़ता जाया कर, मस्जिद से घर तक तेरा बख्त और बरकत को चीज छीनेगी। क्यों? फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए है, एन बख्त और बरकत के लिए फजर का वक्त है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए मिल जाए, बदकिस्मत होगा जिससे फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए उससे बख्त और बरकत छिन जाए। ऐसे गया, फरमाया कि मैं जब चलता था, इससे पहले एहसास नहीं हुआ, जब मैं चला और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, बाद अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो सहब नजर होते हैं, सहब निगाह होते हैं, ताकि मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं चल रहे हैं, मुड़ के देखता हूं तो कुछ नहीं है। और बाज़ोकात मुझे एक एहसास ये भी होता था कुछ चीजें हैं मुझसे कुछ छीनना चाहती हैं पर छीन नहीं पाते। ये फजर का वक्त है। आयतुल कुर्सी की अजमत, आयतुल कुर्सी की ताकत, आयतुल कुर्सी का कमाल इस वक्त को और बरकत को बचाता है, वक्त को और बरकत को बचाता है। और आयतुल कुर्सी की ताकत और कमाल ऐसे अनहोने वाकयात से बचाता है खुद इंसान को पता ही नहीं होता, और उससे बलाएं टल जाती हैं, और उससे आफतें दूर हो जाती हैं, और उससे मुसीबतें दूर हो जाती हैं, इंसान को पता ही नहीं होता, इंसान के गुमान और ख्याल में नहीं होता। आयतुल कुर्सी अमल नहीं है सिर्फ, इसमें आयतुल कुर्सी इसमें आजम है, जरूरतों का इलाज है, मुश्किलों का इलाज है, जादू का इलाज है, जिन्नात का इलाज है, सिफली चीजों का इलाज है। अच्छा, आयतुल कुर्सी में एक चीज है, हाजतों के लिए है,